इस छोटे से प्रोग्राम में हम सिमिलर ट्राइंगल्स, एक जैसे ट्राइंगल्स के गुणधर्म देखेंगे। इसके लिए आपको दो आयत और एक कागज का त्रिकोण चाहिए। ये देखिए, ए बी सी त्रिकोण है कागज का, तीनों इंटरनल एंगल्स मार्क्ड हैं। आप बिंदु ए से नीचे का जो आधार है बी सी, उस पर एक लंब डालें। ये देखिए लंब है, और उसको आप पेन से एक निशान बनाएं, और इसकी ऊंचाई, लंब की ऊंचाई ए एल, लंब की ऊंचाई एच होगी। उसके बाद में कागज की पट्टी लें, उसको 8 बराबर भागों में मोटे मोड़ें, और फिर एक भाग को मोड़ दें जिससे केवल 7 हिस्से बचें। इस पट्टी को थोड़ा सा तिरछा रखें शीर्ष से आधार तक। अब ये पट्टी हमारे त्रिकोण को दो हिस्सों में बांट देगी। ऊपर इस बिंदु को हम टी कहेंगे और उसको मोड़ेंगे, इसके ऊपर का भाग 3 गुना होगा और नीचे का 4 गुना होगा। ये देखिए, ऊपर का त्रिकोण 3 और नीचे की जो हाइट है वो 4 होगी। अब हम एक हरा कागज लेते हैं और उसको अपने त्रिकोण के पीछे रख के उसके कोण ए को हम अच्छी तरह से मोड़ देते हैं, तो हरे और भूरे का कोण ए लगभग एक बराबर होंगे। उसके बाद में हम इस कोण को अच्छी तरह मोड़ते हैं और हरे को भूरे के पीछे रख करके और उसका आधार भी मोड़ देते हैं। इस तरह से हमको एक हरा त्रिकोण मिलेगा जिसको हम A1, B1 और C1 का नाम देंगे, और इस त्रिभुज की तीनों रेखाओं को भी हम पेन से बना देंगे। अब ये देखिए, दो त्रिकोण हैं हमारे पास में, एक भूरा और एक हरा, और हम हरे को भूरे के ऊपर रख सकते हैं, और ये दोनों एक तरह से बिल्कुल सिमिलर ट्राइंगल्स हैं क्योंकि इनकी ऊंचाई एक बराबर है और इनके तीनों कोण भी बिल्कुल एक समान हैं।